हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन होता क्या है। इम्यूनो नाम से समझ आ रहा है, ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होगा, और ग्लोबुलिन मतलब कि प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले, आपने तो सुना ही होगा नाम, बहुत सारे टाइप के हमारे प्रोटीन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये सब। तो ये सबको याद करने का हम ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब इसका नाम ऐसे हम क्यों बोलते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है, क्योंकि इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, अगर मैं इसको इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये जो हैं यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो हमारे एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। एंटीबॉडी की तरह कैसे काम करेंगे, जैसे कि कोई फॉरेन यहाँ पे एंटीजन है वो आके यहाँ पे बाइंड किया, तो ये बाहर का ये जो मटेरियल था वो एंटीजन हुआ, और जिस पे ये बाइंड करेगा वो यहाँ पे फिर क्या करेगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। तो यही जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है यहाँ पे हमारे एंटीबॉडी की तरह काम भी करते हैं। ठीक, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो लाइट चेन होते हैं और दो हैवी चेन होते हैं। ठीक, तो लाइट चेन मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये और ये आपको दो लाइट चेन यहाँ पे दिख रहे होंगे, और ये जो दो दिख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके क्या हैं, दो हैवी चेन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लाइट चेन और हैवी चेन क्यों कहते हैं, इसके अमीनो एसिड के बेस पे। जैसे कि ये जो लाइट चेन है वो तो 112 अमीनो एसिड का बना होता है, इसलिए हम इसको लाइट चेन कहते हैं, जबकि जो हैवी चेन है ये हमारा 450 अमीनो एसिड कंटेन करके रखता है, इसलिए हम इसको हैवी चेन कहते हैं। ठीक, अब हम और ये समझ लेते हैं, अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें, ये जो हमारा लाइट चेन है या फिर हैवी चेन है, इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक, अमीनो टर्मिनल कहते हैं इसको हम। और हम इसके एंडिंग पे देखें तो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक है। और एक और, ये जो लाइट चेन और हैवी चेन होते हैं वो एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ठीक, और यहाँ पर इस पोर्शन पे जब ये जुड़ते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं हिंज रीजन। ठीक, अब एक और चीज़ है जो यहाँ पे जानने लायक है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन लाइट चेन का। ठीक, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। इसको वेरिएबल रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हर एंटीजन के लिए। और उसी तरह यहाँ पे हमारे हैवी चेन में भी होते हैं, ये हमारा VH है। ठीक है, VH मतलब कि हैवी चेन का वेरिएबल वाला साइट, और ये हमारा CH है मतलब कि कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट रीजन है हमारे हैवी चेन के लिए। ठीक, अब यहाँ पे CH1, H2 और H3 तीन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे हैवी में। ठीक है, कैसे, देखिए ये हमारा CH1 है, ठीक, ये हमारा CH2 है, और ये हमारा CH3 पार्ट है। ठीक, तो ये जो हमारा 1 और 2 है वो दोनों के बीच में ये जो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक, जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें जो अभी हमें आपको बताई, वही सब चीज़ हम थ्योरी में भी पढ़ने वाले हैं। एक और चीज़, जो आपका यहाँ पे लाइट चेन होता है और दूसरा आपका हैवी चेन होता है। ठीक, तो ये जो आपका लाइट चेन होता है ना, वो उसके दो टाइप होते हैं। ठीक, एक तो होता है आपका लैम्डा और दूसरा होता है आपका कप्पा। ठीक, तो हम थ्योरी पढ़ते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज अ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज मेड बाई द प्लाज्मा सेल इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। ठीक है, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो हमारे प्लाज्मा सेल से बने होते हैं, और ये रिस्पॉन्स करते हैं हमारे एंटीजन के लिए। कैन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू एन एंटीजन एंड कॉज इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, जब हमारा कोई भी ये हमारा क्या करते हैं, किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको अपने में बाइंड करता है, एंड दे फंक्शन एज अ एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर गामा ग्लोबुलिन्स विच आर सिंथेसाइज बाई द प्लाज्मा सेल्स एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 20-30% ऑफ द टोटल सीरम प्रोटीन। ये हम इसको हम गामा ग्लोबुलिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा इसका जो शेप होता है वो गामा की तरह होता है, इसलिए हम इसको गामा ग्लोबुलिन्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं 25-30% सीरम प्रोटीन्स यहाँ पे कंटेन करके रखता है। ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन, जितने भी हमारे एंटीबॉडीज होते हैं उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कह सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं वो हमारे एंटीबॉडी नहीं हो सकते। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें बोलता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ कंपोज्ड ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, आपने देखा ही होगा कैसे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है यहाँ पे, और बोलता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल लाइट चेन एंड 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, जो अभी हमने आपको बताया कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो 2 लाइट चेन होते हैं यहाँ पे और 2 हैवी चेन होते हैं। ठीक, एंड दिस आर लिंक टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, और वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा था, आपने देखा ही। लाइट चेन
आर सिमिलर इन ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उसमें हमारे लाइट चेन सिमिलर होते हैं। लाइट चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स अकर इन दी टू वैरायटी कप्पा एंड लैम्डा, ये भी हमने आपको बताया कि दो तरह के हो सकते हैं हमारे जो जो लाइट चेन है वो, ठीक है, कौन कौन से, एक तो कप्पा और दूसरा लैम्डा। लाइट चेन एंड हैवी चेन आर दी सब डिवाइडेड इनटू द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट रीजन। हमने ये भी बताया था कि जो हमारा लाइट चेन और हैवी चेन होता है दोनों हमारा एक वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन कंटेन करके रखा हुआ होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने ये भी बताया था कि इच हैवी चेन एंड लाइट चेन कंटेन्स द अमीनो टर्मिनल इन द वेरिएबल रीजन एंड कार्बोक्सी टर्मिनल इन द कांस्टेंट रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेरिएबल रीजन पे इन्होंने जो लाइट चेन और हैवी चेन है दोनों ने अमीनो ग्रुप कंटेन करके रखा है, जबकि कांस्टेंट रीजन सी मतलब कि कांस्टेंट रीजन पे इन्होंने कार्बोक्सी ग्रुप कंटेन करके रखा हुआ है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हैवी चेन्स आर स्ट्रक्चरली एंड एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच क्लास। देखो, जिस तरह से हमने आपको कहा कि जो हमारे हैवी चेन होते हैं वो हर क्लास में क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रहते हैं, जबकि जो हमारे लाइट चेन होते हैं वो सब में क्या होते हैं, जो हमारे लाइट चेन होते हैं वो सब में क्या होते हैं, यहाँ पे सिमिलर होते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं कि इच इम्यूनोग्लोबिन पेप्टाइड चेन हैज़ दी इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड विच फॉर्म अ लूप। ठीक है, जितने भी आपने देखा होगा यहाँ पे पेप्टाइड चेन, उसके पास क्या था, ऐसे सल्फाइड बॉन्ड था। ठीक, वो एक लूप का फॉर्मेशन करता है। एंड लाइट चेन इच लूप इम्यूनोग्लोबिन इज कम्प्लीटली फोल्डेड टू फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डोमेन, और ये एक दूसरे के साथ फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो आपने देखा। लाइट चेन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेरिएबल डोमेन। ठीक है, लाइट चेन के पास सिंगल वेरिएबल डोमेन होता है और एक कॉन्स्टेंट डोमेन होता है एंड अ सिंगल कॉन्स्टेंट डोमेन। जैसे कि आपने देखा ये हमारा लाइट चेन है, उसके पास एक सिंगल वेरिएबल डोमेन था और एक सिंगल कांस्टेंट डोमेन था। ठीक है, जबकि जो हमारा हैवी होता है उसके पास तीन होते हैं, है ना, तो हैवी कंटेन दी थ्री कांस्टेंट डोमेन्स। ठीक है, कैसे, CH1, CH2 एंड CH3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH1, CH2 एंड दी CH3। ठीक है, इसके पास तीन कितने हैं, तीन कांस्टेंट रीजन हैं, तो बस इसमें इतना ही है। ठीक है, और इसके पास भी एक वेरिएबल रीजन होता है हमारा। ये हमारा यहाँ तक थ्योरी ख़त्म। अब हम बात करते हैं आगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच आर मोस्टली रिलेटेड विद द गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन। ठीक है, हमारे एक स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और इसमें हमारे इसमें हमारे गामा ग्लोबुलिन के फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी गामा की तरह दिखता है। इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ फंक्शनल टर्म, जबकि हमारे जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो हमारे फिजिकल टर्म होते हैं, मतलब कि जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन एंड फंक्शन एज एंटीबॉडी। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर में कोई एंटीजन गया, हमारे प्लाज्मा सेल इसके रिस्पांस में क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ गामा शेप। ठीक है, कौन से शेप के होते हैं, गामा शेप के होते हैं, टेट्रामर होते हैं। ठीक है, इन विच एवरी हैवी चेन कंटेन्स दी 450 अमीनो एसिड। हमने आपको पहले ही कहा था जो हैवी चेन, इसको हम हैवी चेन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा 450 अमीनो एसिड कंटेन करके रखते हैं, वेयर एज दी जो हमने लाइट चेन की आपको बात किया था वो यहाँ पे 212 अमीनो एसिड से कंटेन करके रखता है। बिकॉज ऑफ दी हैवी चेन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन आर लिंक टू द कार्बोहाइड्रेट, सो इम्यूनोग्लोबिन आर ऑल्सो टर्म एज अ ग्लाइकोप्रोटीन। हमने ये भी आपको पहले बताया था कि इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा इस रीजन में एक कार्बोहाइड्रेट भी ऐसे जुड़ा रहता है, दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम क्लीवेज की बात करते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन किस तरह से टूटता है, तो पैपेन नाम का हमारा एक एंजाइम होता है, उसके हेल्प से हमारा जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है वो दो फ्रेगमेंट में टूट जाता है। तो बाय द एंजाइम ऑफ द पैपेन स्पिल्स द इम्यूनोग्लोबिन एट द साइड बिटवीन द CH1 एंड CH2 जो कॉन्स्टेंट रीजन है वहाँ से टूट जाता है, जिसको हम हिंज रीजन भी कहते हैं। ये वाला जो रीजन है यहाँ से ये अलग हो जाता है, इतना पार्ट अलग हो जाता है आपका और ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन को हम कहते हैं फैब मतलब कि फ्रैक्शन एंटीबॉडी, एंड सेकंड को हम बोलते हैं FC मतलब कि फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह से ये टूट गया है, इसको हम फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के पांच तरह से होते हैं। ठीक है, पांच क्लास में इसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर एंड एंटीजेनिक नेचर ऑफ दी हैवी चेन के नेचर के हिसाब से हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स को पांच क्लास में डिवाइड करते हैं। IgG, IgA, IgM मतलब कि म्यू, IgD मतलब डेल्टा एंड IgA मतलब कि एप्सिलॉन। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, गेम्ड। ठीक है, गेम्ड कुछ ऐसे आप याद करेंगे, IgG, IgA, IgE, ये IgM और ये IgD। ठीक है, अब इन सब के फंक्शंस क्या होते हैं, तो पहले हम आपको उसको शॉर्ट में बताते हैं, देन लॉन्ग में, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा IgG होता है। ठीक है, IgG, तो ये जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेजेंटा को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है,
की पॉइंट से याद रखना, प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं और डेवलपिंग जो फीटस होता है ना उसमें जाके इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो इम्यूनोग्लोबिन जी इज़ दी ओनली इम्यूनोग्लोबिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग फीटस, ठीक। फिर IgA हमारा क्या होता है, ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो IgA वाला इम्यूनोग्लोबिन जो होता है कहाँ पे, ब्रेस्ट मिल्क पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो फीड करता है तो उस कंडीशन पे मिल्क के थ्रू जो ये हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है वो क्या करता है, फर्स्ट मंथ जो न्यू बॉर्न बेबी का जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इम्यूनोग्लोबिन ए इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोटेक्ट्स द न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ, ठीक। अब हम IgM की बात करते हैं, M से आप यहाँ पर याद रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पे एज अ काम करता है। तो इम्यूनोग्लोबिन M इज द फर्स्ट एंटीबॉडी विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन द एंटीजन एंड इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये हमको यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। IgE, IgE आपने कई बार सुना होगा, ये हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए। तो इम्यूनोग्लोबिन E मेडिएट द इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक्स, हे फीवर एंड अस्थमा, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कोई डस्ट या फिर पॉल्यूशन जो भी होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में ये हमारे वेरियस टाइप ऑफ जिसकी हिस्टामिन मास्ट से जो हमारे मास्ट सेल से रिलीज होते हैं और सबको रिलीज करते हैं और ये सब हमको रिएक्शंस देखने को मिलती है। लास्ट हम IgD की बात करते हैं, तो ये हमारे बीटा बी सेल के जो सरफेस होते हैं वहाँ पे फाउंड होते हैं और ये हमारे एंटीजन के लिए एज अ रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, ठीक। तो ये हम शॉर्ट में देख लिया, अब इसी को हम लॉन्ग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IgG प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा IgG इम्यूनोग्लोबिन होता है ये उसका स्ट्रक्चर है, सेम उसी तरह ये यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। तो अभी हमने जो थ्योरी पढ़ा किसके लिए था, IgG जो था हमारा, IgG हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करता था और जो क्या बोलते हैं फीटस था उसको यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था। तो इम्यूनोग्लोबिन IgG इज़ द मोस्ट अबंडेंट क्लास इन द सीरम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे सीरम में पाया जाता है। विच कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन, इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूड, इन सब में प्रेजेंट रहता है। इट इज़ फाउंड इन द शेप ऑफ गामा शेप, देख रहे हैं आप यहाँ पे गामा शेप के फॉर्म में दिखता है आपको, ठीक है। और IgG इज ओनली इम्यूनोग्लोबिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड द नेचुरल इम्यूनिटी ड्यूरिंग डेवलपिंग फीटस, ठीक। अब हम सेकंड IgA की बात करते हैं, तो ए हमारे किस में पाए जाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क एंड वेरियस टाइप ऑफ सिक्रीशंस में, ठीक है। जितने टाइप के सिक्रीशंस होते हैं उसमें ये हमको देखने को मिलता है। तो और इसमें एक और खास बात होती है, जिस तरह से इसमें हमारा हिंज प्रेजेंट रहता है उसी तरह यहाँ पे हमारा एक जे चेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक। तो बोलते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 10-15%, ऊपर वाला कितना परसेंट कंटेन करके रखा था, 18%। तो ये हमारा 10-15% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबिन एंड इट इज़ द मोस्ट फाउंड इन द बॉडी सिक्रीशन लाइक द सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, मिल्क एंड द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, इन सब जगह पे मोस्टली पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द शेप ऑफ सिंगल मोनोमर या फिर डबल यूनिट, कि हमारे तो सिंगल मोनोमर के फॉर्म में दिख सकते हैं आपको या फिर डाइमर के फॉर्म में, विच इज़ हेल्ड टुगेदर बाय द जे चेन, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ऊपर और नीचे दोनों जे चेन के थ्रू यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। विच प्रेजेंट इन द सीरम एंड एग्जिस्ट एज अ मोनोमर वेयर एज दे प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल सिक्रीशन, मैंने अभी कहा कि जितने भी हमारे सिक्रीशंस होते हैं उसमें ये प्रेजेंट रहता है। और सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन ए इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, उसके फर्स्ट मंथ में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन एम, एम से हमने क्या बताया था आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसके अगेंस्ट में ये हमारा काम करता है। तो इम्यूनोग्लोबिन एम अकाउंट फॉर द 5-10% ऑफ द टोटल सीरम प्रोटीन्स एंड अबाउट द 80% ऑफ IgM इज प्रेजेंट इंट्रावेस्क्युलरली, ठीक है। हमने सबसे पहले में कितना पढ़ा था, 80%, सेकेंड में हमने कितना पढ़ा था, यहाँ पे सेकेंड में हमने पढ़ा था 10-15%, और थर्ड वाला जो है जो हमारा IgM है वो हमारा 5-10% रहता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन IgM जो होता है लार्जेस्ट हमारा इम्यूनोग्लोबिन होता है, सबसे बड़ा होता है, ये हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द 5 गामा शेप्ड यूनिट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 गामा यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 5 गामा यूनिट से मिलकर बना होता है। एंड विच इज़ हेल्ड टुगेदर बाय दी जे पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी हमारे जे पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू जुड़े होते हैं। ड्यू टू इट्स लार्ज साइज IgM कैन नॉट क्रॉस दी ब्लड वेसल, सो इट रेस्ट्रिक्ट दी ब्लड स्ट्रीम, ये हमारे ब्लड वेसल को भी क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि लार्ज साइज का होता है। इट इज़ दी फर्स्ट एंटीबॉडी विच इज़ प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन दी एंटीजन, मैंने कहा था कि एंटीजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देता है, मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट दी इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये हमारे प्लेसेंटा को भी क्रॉस नहीं करता ड्यू टू दी लार्ज साइज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन ई की, जिसको हम IgE भी कहते हैं।
ये जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन IgE होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है IgG की तरह, मतलब ये भी हमारे गामा शेप की होता है, तो सिंगल गामा शेप मोनोमर होते हैं एंड इट इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन दी वेरी स्मॉल कंसेंट्रेशन इन दी ब्लड 0.3 ग्राम पर ml, एकदम बहुत ही स्मॉल कंसेंट्रेशन में हमारे प्रेजेंट रहते हैं ब्लड में। इट डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये भी हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, ये सिर्फ स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है हमारे IgG की तरह, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की अलग होती है। IgE लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन द इंडिविजुअल विद एलर्जिक एज इट एसोसिएटेड विद बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स, है ना। जब भी कोई हमारे बॉडी में एंटीजन आता है तो ऐसा एलर्जी के रिस्पॉन्स की तरह ये शो करता है एंड इट मीडिएट्स द इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स ऑफ एनाफिलैक्टिक शॉक, हे फीवर एंड अस्थमा। ये कॉमन टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हम इसकी वजह से हमको देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा लास्ट इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इसको हमने बताया था कि हमारे जो बी सेल होता है उसके सर्फेस पर ये हमारा पाया जाता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द IgD इज सिमिलर टू द IgG, इसका भी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है IgE की तरह। ये भी हमारे गामा शेप का होता है, आपको दिख रहा होगा, है ना। मोनोमर होता है। इट अकाउंट्स फॉर 0.2% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन, बहुत कम अमाउंट में रहता है। इट इज प्रेजेंट ऑन दी सर्फेस ऑफ बीटा सेल, जो हमारा बी सेल होता है उसके सर्फेस पे प्रेजेंट होता है एंड देन फंक्शन एज ए रिसेप्टर फॉर एंटीजन, और एंटीजन कोई भी एंटीजन होता है उसके लिए रिसेप्टर का काम करता है।